हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, आपके कोसिकेन थीटा, सिकेन थीटा, कोट थीटा और उनके इस वैल्यूज़ के बारे में कि साइन थीटा पी अपॉन एच होता है, कोस थीटा बी अपॉन एच होता है, टेन थीटा पी अपॉन बी होता है और आपका कोसिकेंट थीटा जो है एच अपॉन पी होता है, सिकेंट थीटा एच अपॉन बी होता है और कोट थीटा बी अपॉन पी होता है। आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, कि हम क्वेश्चंस को उनका जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकालते हैं। तो आपका 8.1 का पहला ही क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो हमें डिटरमाइन करना है साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, अच्छा बड़ा बना लेते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे। तो इसमें क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, उसने बोला है कि राइट एंगल एट बी, यानी कि राइट एंगल जो बना हुआ है वो बी है। ठीक है, अगर ये बी है तो बाकी कौन से हो, एक ए हो गया और एक बी हो गया। अब वो अगर बोलता है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है तो ए बी की वैल्यू रख दो, सॉरी ये सी हो गया, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 सेंटीमीटर है और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, तो बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर है। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, यानी कि एच की वैल्यू हमें नहीं पता। तो हमारा पहला काम यही होगा बच्चों कि हम यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। हमारे पास ये वैल्यू है, हमारे पास ये वैल्यू है, हमें एच की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी कितना है बच्चों, कुछ भी, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ऐसे वैल्यूज निकालेंगे, 24 सेंटीमीटर हमारा जो है वो होता है 576 प्लस 7 स्क्वायर होता है 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे, अब इनको जोड़ दो, चलो जोड़ देते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं तो आ जाता है 625 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर 625 के बराबर है, तो इसको स्क्वायर रूट को हटाएंगे, इधर अंडर रूट लगाएंगे, ये आपका 25 आ गया एच, यानी कि हाइपोटेन्यूस की हमारे पास वैल्यू जो आ गई वो 25 सेंटीमीटर आ गई है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, पहला पार्ट निकालते हैं जिसमें पूछा गया है साइन ए और कोस ए के बारे में। बच्चों हम पढ़ चुके हैं थीटा की वैल्यूज निकालते हैं, यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, इसका मतलब ये है एंगल जो बना रखा है, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आंसर पूछा गया है वो ए पर बन रहा है, यानी कि हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, एंगल ए, यहाँ बी था सी था, ए सी की वैल्यू जो हमारी आई वो 25 सेंटीमीटर आ गई, ए बी की जो हमारी वैल्यू आई वो 24 सेंटीमीटर आ गई और बी सी की वैल्यू हमारी 7 सेंटीमीटर आ गई है। अब क्या है कि हमें तीनों वैल्यू पता चल गई हैं, साइन ए निकालना है हमें, ए पे एंगल बना है तो बेस कौन सा हुआ, बेस वो होता है जिस पे 90 डिग्री और हमारा ये वाला एंगल दोनों होते हैं वही हमारा बेस होता है। तो हमें साइन ए निकालना है, तो हमें पता है साइन ए निकालेंगे तो साइन ए यानी कि साइन थीटा बराबर होता है पी अपॉन एच के, यानी कि परपेंडिकुलर बाई एच के साइन ए, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमारे पास पी की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर ये होगा बच्चों, ये नहीं होगा, कई बच्चे गलती करते हैं, नीचे वाले को हमेशा बेस मानते हैं। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, जिस भी लाइन पर 90 डिग्री का एंगल और बेसिक एंगल, 90 डिग्री का एंगल और ये जो एंगल दे रखा है ये दोनों जिस लाइन पर रखे जाते हैं वो बेस होता है, ये बेस है, और ये जो लाइन है जिस पर सिर्फ एक 90 डिग्री का ही एंगल होता है, दूसरी तरफ एंगल नहीं होता, वो परपेंडिकुलर होता है। तो इसका एंगल परपेंडिकुलर हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो पी की वैल्यू 7 है और हाइपोटेन्यूस हमारा आया 25 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे 25 सेंटीमीटर
रख दिया, तो हमारी साइन ए की वैल्यू जो आई वो 7/25 आई। अब आ जाते हैं कोस ए की वैल्यू निकालने के लिए। कोस ए, कोस थीटा बराबर होता है, हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ लिख देते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो ये था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंड थीटा, सिकेंड थीटा और कोट थीटा। तो कोसिकेंड थीटा, कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा बी अपन एच होता है ना, तो बी अपन एच लिखा मैंने। बी की वैल्यू क्या है, 24 है, क्योंकि बेस हमारा इस ए के अकॉर्डिंग है 24, तो 24 अपॉन में एच कितना है 25, तो हमारा कोस ए की वैल्यू ये आ गई। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट्स पे। सेकंड पार्ट पे पूछा गया है साइन सी और कोस सी के बारे में। तो यहाँ पे कुछ फिगर कुछ ऐसी बनी है, वही ट्रायंगल है हमारे पास, ये ए है हमारे पास, ये 90 डिग्री है, बी है और सी है। जब इसने बोला साइन सी, सी बोला है, थीटा नहीं बोला, सी बोला है, तो थीटा कहाँ पर है, सी पर, तो यहाँ एंगल बन गया, यहाँ एंगल बन गया, तो बी और सी इस पर है, यानी कि बी पर ये 90 डिग्री और यहाँ पर ये एंगल इस लाइन पर है, तो ये बनेगा हमारा बेस और ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज तो है ही। इसकी वैल्यू हमारी क्या थी, 7 सेंटीमीटर थी, दे रखा है कि हमारे पास बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज हमारा 25 सेंटीमीटर। तो हमें साइन सी निकालना है, साइन सी, साइन थीटा बराबर होता है पी अपॉन एच के, तो पी अपॉन एच रखो, यहाँ पे हमारी पी की वैल्यू क्या है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर अपॉन में एच की वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर, ये हमारी वैल्यू आ गई साइन सी की। नेक्स्ट हमारा है कोस सी निकालने के लिए बोला गया है, कोस सी निकालने के लिए बोला गया है, कोस सी बी अपॉन एच, क्योंकि कोस हमारा बी अपॉन एच होता है, तो कोस बी अपॉन एच, बी कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 अपॉन में एच कितना है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, टफ नहीं था। इस क्वेश्चन को आप रिवाइज़ कीजिए, इसके बेस पर काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे, आप आगे भी कई क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे भी कोई ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। आप हम इंडियन एडवांस स्टडी टाइम के नाम से यूट्यूब पे, फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर ये है। अगर आप चाहें कि आगे भी हम ऐसे कुछ लेक्चर दें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।